उधर भारत ने अफगानिस्तान में अस्थिरता और आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने कहा है कि पाकिस्तान ने तालिबान को बढ़ाने में मदद की है, जिसका परिणाम अब दिख रहा है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से ही पूरी दुनिया की निगाहें नई सरकार के गठन पर टिकी हुई हैं। भारत भी तालिबान सरकार को लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति बनाए हुए है। भारत ने अफगानिस्तान में बढ़ रही बर्बरता के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। वॉशिंगटन में मीडिया से बातचीत करते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है, पाकिस्तान इज एन नेबर ऑफ अफगानिस्तान, दे हैव सपोर्टेड एंड नर्चर्ड द तालिबान, देयर आर वेरी सीरियस एलिमेंट्स देयर दैट आर पाकिस्तान सपोर्टेड, बट इट्स वेरी हैप्पी दैट इन वन सेंस द रेजोल्यूशन दैट वी अडॉप्टेड makes mention of the proscribed entities in the UN sanctions list. इसके साथ ही अफगानिस्तान में सरकार गठन को लेकर हो रही देरी और बढ़ रही अस्थिरता को लेकर भी भारत ने चिंता जताते हुए कहा है कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों की अफगानिस्तान में बेरोक टोक आवाजाही और उनकी भूमिका चिंताजनक है। अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और राहत बचाव कार्य को लेकर विदेश सचिव ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बैठक की। तालिबान राज में महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था क्या होगी, ये सबसे बड़ा और अहम सवाल बना हुआ है। महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था के लिए तालिबान ने कुछ कायदे कानून बनाए हैं। रिपोर्ट इस पर आप देखिए। सभी छात्राएं, महिला टीचर और कर्मचारी इस्लामिक हिजाब पहनकर आएंगे, जो काले रंग का होगा। सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लड़कियों के लिए अलग एंट्रेंस गेट होगा। अगर संस्थान में पर्याप्त व्यवस्था हो तो लड़कियों को अलग बिल्डिंग मुहैया करें। को एजुकेशन क्लास में अगर 15 से ज्यादा लड़कियां हो तो लड़कों से अलग पढ़ाई की व्यवस्था की जाए। अगर संख्या 15 से कम हो तो क्लासरूम में लड़कों और लड़कियों के बीच दूरी बनाकर रखी जाए। डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सख्ती से कानून का पालन करवाएं। लेक्चर शुरू होने से पहले लड़कियां वेटिंग रूम में इंतजार करें। लेक्चर शुरू होने से 5 मिनट पहले लड़कियां क्लासरूम में अपनी जगह पर जाकर बैठ जाएं और खत्म होने के 5 मिनट पहले क्लास छोड़ दें। ये तालिबान का नया एजुकेशन प्लान है। अब इसी तरह से कॉलेज और स्कूल में पढ़ाई होगी तो इससे आसानी से समझा जा सकता है कि तालिबान राज में महिलाओं को कितनी आज़ादी मिलेगी, उन्हें काम करने की कितनी छूट मिलेगी, लड़कियों की पढ़ाई का सिस्टम क्या होगा। तालिबान इस्लामिक व्यवस्था के हिसाब से हायर एजुकेशन की भी योजना बना रहा है। तो तालिबान ने सरकार गठन में देरी के बीच इस्लामिक अमीरात की 6 आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च किया है, जिसमें सरकार के बारे में कई जानकारियां दी जाएंगी। तालिबान सरकार अभी नहीं बनी है, लेकिन जल्द ही अफगानिस्तान में अपनी सरकार का ऐलान तालिबान कर देगा। अब की बार अपनी सरकार की जानकारियां वेबसाइट पर भी शेयर करेगा। ये वेबसाइट बाकायदा 6 भाषाओं में होगी। तालिबान ने अंग्रेजी, दारी, पश्तो, अरबी और उर्दू भाषा में वेबसाइट्स को लॉन्च किया है। इन वेबसाइट पर तालिबान और उनकी सरकार के बारे में कई जानकारियां अपलोड की गई हैं और आगे भी जानकारियां अपलोड की जाएंगी। तालिबान ने यह भी कहा है कि इस्लामिक अमीरात से जुड़ी हर एक अपडेट इन वेबसाइट के माध्यम से वो जारी करेगा। इस्लामिक अमीरात की इन वेबसाइट्स को तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने शेयर किया है। जबीउल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट कर कहा था कि अब इन वेबसाइट के जरिए ही तालिबान के बारे में जानकारियां हासिल की जा सकेंगी। अब ये सीन तो सरकार गठन के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन सरकार गठन में काफी मुश्किलें हैं क्योंकि हक्कानी नेटवर्क और मुल्ला बरादर के बीच झड़प हो गई थी, वो भी मंत्री पद को लेकर। हक्कानी नेटवर्क सरकार में बड़ी हिस्सेदारी और रक्षा मंत्री का पद मांग रहा था, जबकि तालिबान इतना कुछ देने को तैयार नहीं है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।